हाँ जी अनसर्टेनिटी ऑफ प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट क्यों एग्जिस्ट करता है दैट इज बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ लैग इन द डिसीजन मेकिंग टू प्रोड्यूस एंड द रियलाइजेशन एंड द सेल ऑफ आउटपुट के जी फार्मर जो भी प्लान करेगा कि हाउ मच इट शुड बी प्रोड्यूस वो वो डिसाइड करेगा एट द टाइम ऑफ सोइंग के अब यूजुअली जो भी वो डिसाइड करता के करता है फार्मर कि मुझे कितना सो कितना प्रोड्यूस करना है इट इज यूजली बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड प्राइसेज ऑफ प्राइसिस ऑफ द कमोडिटीज एट हार्वेस्टिंग टाइम क्या जी अगर एट दोइ उसकी एक्सपेक्टेशन है प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटपुट विल बी हाई इन द मार्केट वो ज्यादा एरिया शो करेगा फॉर दैट पर्टिकुलर एग्रीकल्चरल कमोडिटी अगर सपोज मैं इस चीज को लेबोरेट करूं विद रेफरस टू वीट तो वेट यूजली पंजाब में आप कह लें नवंबर दिसंबर में सो की जाती है और इसको आप हार्वेस्ट करते हो अप्रैल एंड मई में अब प्लांटेशन डिसीजन जो भी वो फार्मर करते हैं इन नवंबर दिसंबर दैट इज बेस्ड अपॉन द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वेट दैट विल लाई इन ड्यूरिंग दैट विल लाई ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग सीजन हाँ कई दफा आप कह लें टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी और गवर्नमेंट अनाउंस स्पोर्ट प्राइस फॉर सर्टन क्रॉप्स हाँ जी वो स्पोर्ट प्राइस यूजली गवर्नमेंट किसके लिए अनाउंस करती है जी वो वीट के लिए कर देती है गवर्नमेंट पाकिस्तान में राइस के लिए कर देती है और शुगर कैन के लिए करती है लेकिन मोस्टली जो आप कह लें एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं वहां उनके लिए स्पोर्ट प्राइस अनाउंस नहीं की जाती सो एट दिस टाइम ऑफ सोइंग फार्मर इज नॉट वेरी मच श्योर अबाउट के वट विल बी द प्राइज एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग और फार्मर जो भी डिसाइड करता है कि उसको कितना उसको कितना मार्केट में आउटपुट प्रोड्यूस करना है दैट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ द आउटपुट और उस एक्सपेक्टेड प्राइस की बेस पे फार्मर एक प्लैंड आउटपुट डिसाइड करता है लेकिन ये प्लैंड आउटपुट भी अक्सर रियलाइज नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज ऑफ अनएक्सपेक्टेड वेदर बिकॉज ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस ड्यूरिंग द्रोइंग सीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रॉप फार्मर यूजली डिसाइड करता है अबाउट प्लैंड आउटपुट ऑन दाइस हार्वेस्टिंग टाइम अब जो आपकी एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वीट है ये यूजली आप कह लें बेस करता है क्या होगी ये बेस करता है आपकी इंफॉर्मेशन पे जो कि फार्मर को एट दिस टाइम एट द टाइम ऑफ़ सोइंग अवेलेबल होती है क्या मैं प्राइस एक्सपेक्टेशन एट टाइम टी की बात करूं बेस्ड अपॉन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन टाइम पीरियड टी तो मैं उस चीज को डिनोट कर रहा हूं विद पी टी माइनस वन स्टार ये क्या है दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस दैट अ फार्मर इज डिटर्म इन टाइम पीरियड टी माइनस वन फॉर टाइम पीरियड टी आप इसको यू भी कह सकते हो दिस इज द एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वीट एट हार्वेस्टिंग टाइम दैट फार्मर इज एक्सपेक्टिंग एट द टाइम ऑफ सोइंग और ये किस चीज के इक्वल है इट इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ वीट इन टाइम पीरियड टी ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इन टाइम पीरियड टी माइनस वन लेकिन रियलिटी में क्या होता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस और यह जो डिफरेंस होगा बिटवीन एक्सपेक्टेड प्राइस एंड एक्चुअल प्राइस उसको आप कहते हो इट इज एर इन एक्सपेक्टेशन एंड बिकॉज ऑफ दैट एरर इन एक्सपेक्टेशन इट रिजल्ट इन डिफरेंस बिटवीन प्लैंड आउटपुट एंड रियलाइज आउटपुट या जी जब आपकी एक्सपेक्टेशन ही मीट नहीं हो रही